हमारे आज का जो हमारा दिन है वो डे हंड्रेड था इस कोर्स का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सिक्स मंथ्स ऑफ डेटा साइंस एंड एआई और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमें से काफी लोग जो हैं उसे उस कोर्स में रजिस्टर्ड भी हैं मेरे पास इनरोल भी हैं और वो पिछले तकरीबन सौ दिनों से हमारे साथ सीख रहे हैं डेटा साइंस एंड ए विद पाइथन इस लेक्चर को हम डीप लर्निंग का लेक्चर बोलेंगे क्योंकि डीप लर्निंग का आगाज होने वाले और उसकी रीजन ये है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो बहुत अहम करदार अदा करता है नो कि हमने अनुपरवाइज मशीन लर्निंग अभी तक नहीं पढ़ी बट इफ यू वॉन्ट टू लर्न दै अनुपरवाइज लर्निंग स्टे विद इन शाह मैं आपको अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बताऊंगा बट आज का जो लेक्चर है वो टोटली डीप लर्निंग पे मुश्तमिल होगा और डी लर्निंग यानी कि न्यूरल नेटवर्क को भी हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर ही समझेंगे और देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है और क्यों हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है मैं लिंक और स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं लेक्चर आपके पा पास पड़ा हुआ है एंड देन वी विल स्टार्ट आई नो कि आज डे हंड्रेड है और थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होगी टाइम भी हम ज्यादा लगाएंगे और थियराटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों की तरफ हम ज्यादा काम करने वाले हैं स्क्रीन आपके सामने हाजिर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आज का हमारा लेक्चर जो है वो टोटली डीप लर्निंग पे बेस्ड है और डीप लर्निंग क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमारतुअल अन्य सी ओ एंड को या आप फाउंडर भी बोल सकते हैं ऑफ कॉ बिकॉज वी आर एक्चुअली बिल्डिंग आर टीम डीप लर्निंग होती क्या आपको पता है कि जब भी आप कोई मशीन लर्निंग का टास्क परफॉर्म करते हैं वन एवर यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू मशीन लर्निंग आपको अंदाजा होगा कि वो मशीन लर्निंग के टास्क के अंदर अगर आप बहुत ही डीप यानी कि डेप्थ के अंदर जाएं तो उसे हम डीप लर्निंग बोलते हैं

फेसियल रिकेग्निशन हो गई एंड स्पीच रिकेग्नीशन हो गई ये सारे के सारे काम डीप लर्निंग भी परफॉर्म करती है अब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में फर्क क्या है और हम इन दोनों को किस तरीके से डिफरेंट वे में देख सकते हैं ये हमारा आज का मेन क्वेश्चन होगा क्योंकि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों गाहे बगाहे चलते हैं इस वजह से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये दोनों चीज़ों को मेनटेन करके चलते हैं खासतौर पर हेल्थ केयर के सिस्टम के अंदर जब आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग को और भी डीपली स्टडी करते हैं ना उस चीज़ को हम डीप लर्निंग बोलते हैं मार्केटिंग के अंदर जब आप कोई एनालिसिस करते हैं यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स उनकी बेस पे जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग अगर आप ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा डीपली जाके स्टडी करें जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग उसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं फिर आ जाते हैं फेशियल रिकग्निशन फेशियल रिकिग्निशन यानी कि जब आपके पास कोई भी एक सिस्टम पड़ा हुआ है आप फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर एक सिस्टम है कि आप क्लास में बैठे हैं फेशियल रिकग्ग्निशन के बेस पे वो आपकी जो है अटेंडेंस लग जाती है या आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे आपके फेशियल रिकोगनीशन के बेस पे यानी कि जब आपकी तस्वीर ली जाती है डेटाबेस के साथ मैच की जाती है एंड देन दे फाइंड आउट आप आपका बैकग्राउंड क्या है ठीक है एंड देन स्पीच रिकगनीशन आपको भी पता है आजकल सीरी हो गई एप्पल की या आपके पास गूगल हो गया हे गूगल करके आप काम करते हैं या देर आर मेनी अदर थिंग्स जिनको आप यूज़ करते हैं फॉर स्पीच रिकगनीशन जिसमें आप ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं गूगल की और आप देखते होंगे कि आजकल लोग यूट्यूब के बटन पे माइक के बटन पे क्लिक करके रखते हैं और बच्चे भी छोटे छोटे मैं तोता मैं तोता करके कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो लग जाती है मतलब दौर कितने पहुंच गया पहाड़ी हम लोग वही बेचारे गूगल पे सर्च करने वाले थे लेकिन आज के दौर में बच्चे बहुत एडवांस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं सो डीप लर्निंग का मतलब क्या है मैं यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा डीप लर्निंग की डीप लर्निंग की एग्जाम्पल मेरे सामने सिंपल ये है ये मैंने ऐना उतारी है मैं अपनी आम नज़र के साथ देख रहा हूँ ठीक है ऑब्वियसली अलहमदिल्ला मेरी नज़र का कोई प्रॉब्लम नहीं अल्लाह ताला ना करे कोई नज़र का प्रॉब्लम हो लेकिन अगर मैं अपने मशीन लर्निंग के थ्रू एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ें आप यही समझ लें कि मैं सिंपल अपनी गिवन आई साइट की बेस पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बेस पर मैं किसी चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ जैसे मैंने ये एक एनंक लगाई है हो सकता है ये एक दूरबीन है या इसके अंदर कोई कैमरा फिट है तो उसकी बेस पे जब मैं एनालाइज करूंगा किसी चीज़ को बहुत डीपली इस चीज को डीप लर्निंग बोलते हैं जस्ट इमेजिन दिस एज अ माइक्रोस्कोप तो मैं किसी चीज को मशीन लर्निंग के मॉडल को अगर ऐसे देख रहा हूं तो वो सिंपल मशीन लर्निंग का मॉडल है अगर उसी मॉडल को मैं डीपली जाकर ट्यून करता हूं या मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करता हूं इसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जनाब डीप लर्निंग होती क्या है और क्यों हमारे पास डीप लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आजकल चल रही है में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको डीप लर्निंग का अंदाजा होगा उन्होंने मेरे साथ कोर्सेज भी पढ़े बट देर आर मैनी पीपल जिनको अभी तक डीप लर्निंग का नहीं पता यहीं पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू अड गो अड एंड डू इट बिकॉज आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा मज़ेदार होने वाला है नहीं यकीन आता चलें फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों मजेदार होने वाला है।